हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो भाई, हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ इस सीरीज़ में, जो कि है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। और इसमें हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके स्कूल के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। भाई, अगर ये कर लोगे स्कूल के एग्ज़ाम में, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके मोर देन एनफ हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला पार्ट आज है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी के क्वेश्चन। तो आज हम एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को पता होगा एवरेज स्पीड जो होती है क्या होती है। तो भाई, एवरेज स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और एवरेज वेलोसिटी जो होती है हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। तो उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और ये ध्यान रखना यहाँ पे कि टोटल डिस्टेंस जो होता है यूजुअली क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया रहता, आपको निकालना पड़ता है, या फिर कई बार टाइम नहीं दिया रहता, आपको निकालना पड़ता है, या डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं दिया रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा मत सुनो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि टोटल डिस्टेंस आपको दे देगा, टोटल टाइम दे देगा और आपसे पूछेगा। ऐसा यूजुअली नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसे होंगे, बोलेगा कि एक पार्टिकल इतना पहले चला, फिर इतनी स्पीड से चला, फिर इतनी स्पीड से चला, बताओ इसका एवरेज स्पीड क्या है। तो आप पहले जो आपकी स्पीड है इंटू टाइम करोगे तो डिस्टेंस आएगा, वो सब आपको लगाना है। फिर दूसरा स्पीड लगाओगे इंटू टाइम करोगे दूसरा वाला, तो दूसरा वाला डिस्टेंस आएगा। दोनों को ऐड करोगे तब टोटल डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट में करना है। तो भाई, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर आपने डायरेक्ट एवरेज स्पीड, माने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं। और कई बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि सर देखो दो तीन गलती आप करते हो। एक तो आप एवरेज स्पीड, कई बच्चे कहते हैं सर वी वन प्लस वी टू बाई टू कर देंगे। तो ये भाई बिल्कुल गलत है। वी वन प्लस वी टू बाई टू जो है एवरेज स्पीड नहीं होती है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वो फॉर्मूला ही हमें लगाना है। दूसरी बात, टोटल डिस्टेंस वगैरह जब आप निकालोगे, अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट है तो हम डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या फिर स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अब कई बच्चे यहाँ पे बोलते हैं, एक और गलती यहाँ पे करते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। तो भाई, वो फॉर्मूला तब लगता है जब आपका एक्सेलरेशन होता है, तब वो फॉर्मूला लगता है। तो ये गलती नहीं करनी है। और दूसरी गलती आप ये करते हो, जब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना होता है उस टाइम पे आप ये लगा देते हो। भाई, जब एक्सेलरेशन होगा तो वहाँ पे वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब एक्सेलरेशन नहीं होगा, कॉन्स्टेंट स्पीड या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी दी होगी क्वेश्चन में, तो फिर ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। तो भाई, ये गलती मत करना, तो आपका कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ध्यान रहेगा सबको। टोटल डिस्टेंस, अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फटाफट से। भाई, क्वेश्चन ईजी होते हैं, तुम लोग ना बस गड़बड़ करते हो क्वेश्चन में, मतलब खुद ही फॉर्मूला बनाते रहते हो बैठ के, और कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाते हो जो टीचर की समझ से बाहर हो जाता है, तो फिर टीचर भी जो है घबरा जाता है, क्या कर दिया बच्चे ने। तो ऐसा मत करना, जो आपको पढ़ाया गया है वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो पहले एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है शुरू में। पहला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव नेगेटिव वैल्यू इन स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव वैल्यू ऑफ इन स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है और क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं ताकि आपको स्पीड वेलोसिटी का बेसिक क्लियर हो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बताइए क्या हो सकता है, पहले स्पीड की बात करते हैं, क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है बताइए, कमेंट में लिख के बताना। तो स्पीड जो है आपको पता होगा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी जो है नेगेटिव नहीं होती है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड का केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इट कांट बी नेगेटिव, ठीक है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्या था हमारा, अगला था हमारा डिस्प्लेसमेंट, कैन इट बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन इट बी नेगेटिव। तो भाई, डिस्प्लेसमेंट जो है आपको पता होगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, तो आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई लिखते रहना कमेंट में, लिखते रहोगे ना तो भाई वीडियो में मजा आएगा, मतलब आपको भी ना फीलिंग आएगी कि आप लोग भी पढ़ रहे हो, और नहीं तो फिर क्या होता है, ऐसा लगता है वन साइडेड चल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। मान लो मैं यहाँ पे था पहले शुरू में, और मैं x इक्वल टू वन से थोड़ी देर बाद मैं x इक्वल टू
माइनस टू पे आ गया। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो हुआ कितना हुआ यहाँ पे, मैं वन से और माइनस टू पे आया तो डिस्प्लेसमेंट वन प्लस वन प्लस वन थ्री हुआ, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज माइनस थ्री। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, माइनस थ्री। तो ये कभी ये जो है नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट कैन बी नेगेटिव। वेक्टर क्वांटिटी एंड इट कैन बी नेगेटिव, ये हो सकता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। अगर आपसे पूछता कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है स्केलर क्वांटिटी है वो नेगेटिव नहीं होगा। जैसे इस केस में अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक अगर आओगे आप तो डिस्टेंस कितना हुआ, तीन, और उसको हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, स्पीड भी पॉजिटिव होती है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ या फिर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वो जो है नेगेटिव हो सकती है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, कुछ आपको बेसिक बातें क्लियर हो रही होंगी यहाँ पे। अगला है आपका कैन अ पार्टिकल है, ये वाज लिखा है पे हैज होगा, कैन अ पार्टिकल हैज वेरिंग स्पीड बट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ऐसा हो सकता है क्या कि पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही हो लेकिन वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो, क्या यह हो सकता है कि स्पीड चेंज हो रही हो लेकिन वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, ये कॉन्स्टेंट हो, क्या ये पॉसिबल है? सोचो अभी बताया था वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी जो है इसमें मैग्नीट्यूड भी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी है, मैग्नीट्यूड भी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी है, सॉरी डायरेक्शन भी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है एक्चुअली वो क्या है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, वो स्पीड होती है। तो वेलोसिटी जो होती है उसमें स्पीड तो होती है प्लस साथ में डायरेक्शन भी होती है, स्पीड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है हमारी, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए कांस्टेंट, मतलब आपकी स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब एक ही डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो और आपकी स्पीड भी फिक्स है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से आप चल रहे हो, तो तब हम बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर इसमें एक भी चेंज हो गया, एक भी अगर चेंज हुआ तो हम बोलेंगे चेंज हो गया, या दोनों चेंज हो गए तो चेंज हो गया, तब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जैसे मान लो कि यार मैं चल रहा हूँ और चलते चलते मेरे को क्या हुआ, एकदम से जोश आया, मैं तेज भागने लगा, तो मेरी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो गई, मेरी क्या हो गई वेलोसिटी इंक्रीज, क्योंकि मेरा मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। डायरेक्शन तो मेरी वही है लेकिन मेरा मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि मैं चल रहा था और चलते चलते मेरे दिमाग में आया कि आज स्कूल नहीं जाते, आज बंक मार लेते हैं, आज उधर को चलते हैं, तो मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो अगर मैंने डायरेक्शन अपनी चेंज कर ली तो क्या हुआ, मेरी डायरेक्शन कोई और हो गई, तो जो मेरी वेलोसिटी है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गई। तो अगर एक भी चीज़ चेंज होगी आपकी, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर मेरा मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, तो वो चेंज माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब दोनों चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, तो स्पीड चेंज हो सकती है क्या, अब बताओ ये पॉसिबल है, कैन अ पार्टिकल हैज वेरिंग स्पीड, कि इसकी वेलोसिटी स्पीड चेंज हो रही हो लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट हो, पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इफ वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट देन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉन्स्टेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द स्पीड, हैंस स्पीड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अगर इससे रिवर्स क्वेश्चन पूछे, क्या हो सकता है कि आपकी स्पीड कॉन्स्टेंट हो बट वेलोसिटी कॉन्स्टेंट ना हो, क्या हो सकता है, स्पीड कॉन्स्टेंट हो बट वेलोसिटी कॉन्स्टेंट ना हो, क्या यह हो सकता है, सोचो यस या नो, स्पीड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी नॉट कॉन्स्टेंट, तो कई बच्चों ने सही आंसर दिया होगा, ऐसा हो सकता है। मान लो मैं स्कूल जा रहा था फिर मैं भाग गया मूवी देखने, मैंने कहा बंक मारता हूँ मूवी देखता हूँ, तो मेरी स्पीड मान लो अभी भी 10 मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है। फिर आगे मेरे को जो है पापा दिख गए अपने खड़े स्कूटर पे,
तो मैंने अपनी रास्ता यहाँ घर की तरफ को कर लिया। मैंने कहा घर जाके है ना इधर को दोस्त की तरफ को मोड़ लिया, दोस्त के घर की तरफ को, तो स्पीड मेरी फिर 10 मीटर पर सेकेंड है, तो मेरी स्पीड तो कॉन्स्टेंट है, मैं उस स्पीड से चल रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्त के घर पहुँचा तो वहाँ पे उसके पापा खड़े हुए, तो मैंने कहा अपने घर ही भाग लो भाई, घर जाके बोल देंगे कि पेट में दर्द हो गया, कुछ बोल देंगे, है ना। तो मैंने जो है फिर वो अपना डायरेक्शन मोड़ ली, तो मेरी स्पीड फिर 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इन केस में मेरी क्या है, स्पीड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्पीड सेम हो सकती है लेकिन तब भी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो सकती है, ठीक है। उस केस में भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, और बहुत इसका कॉमन एग्जांपल एक है सर्कुलर मोशन। अगर आप सर्कुलर मोशन में घूमेंगे तो सर्कल में आपकी जो स्पीड होगी वो हो सकता है कि आपकी कॉन्स्टेंट हो 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन उसकी हर पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन, जिस पॉइंट पर आप देखोगे टेंजेंट बना के डायरेक्शन देखोगे तो हर पॉइंट पर क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन आपकी आएंगी, तो आपकी स्पीड क्या होगी वहाँ पर कॉन्स्टेंट, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल, ठीक है। तो आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कोई डाउट अगर होगा तो भाई कमेंट में लिख देना, अगर कोई डाउट ऐसा आएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, राइट। तो ये तो आपका आई आंसर, उसका आंसर नो था। चलिए अगला क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब बराबर हो सकती हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है, मान लो मैं सपोज मान लो मैं यहाँ से ए से स्टार्ट किया, मान लो मैंने दिल्ली से स्टार्ट किया और मुझे कानपुर जाना है, दिल्ली से दिल्ली से कानपुर, ठीक है, मान लो कानपुर जाना है, ठीक है। मान लो मैं ट्रेन में गया, अब ट्रेन चली, निकली ट्रेन स्टेशन से बाहर, तो स्पीड बढ़ना शुरू हुई, फिर उसकी स्पीड बढ़ी, तेज भागी, बहुत तेज भागी, फिर आगे जाके अगला स्टेशन आ गया, थोड़ी देर चलिए आधे घंटे मान लो स्टेशन आ गया, रुक गई, स्पीड कम हुई फिर रुक गई, फिर उसकी स्पीड फिर तेज चली, फिर आगे गई, फिर रुक गई, फिर चली आगे, ऐसे चली और यहाँ पहुँच गई कानपुर, ठीक है। तो कानपुर जब ये पहुँची तो मान लो कानपुर का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है और आपको मान लो 10 घंटे लगे, कितने घंटे लगे, टाइम 10 घंटे, तो मेरी स्पीड क्या आई, 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड जो आई कितनी आई, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वैसे काफ़ी कम लिखी है मैंने, आजकल रेलवे वाले स्पीड अपनी बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं, 80 किलोमीटर के आसपास चल रहे हैं ना, मान लो चलो 50 किलोमीटर पर आवर आई स्पीड मेरी, ठीक है। तो ये कौन सी स्पीड है, क्या ये एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस होती है किसी टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड, और एवरेज होती है मतलब टोटल का एवरेज। ये क्या है, तो भाई ये जो स्पीड है, अगर आपने सही गैस किया होगा, ये जो है एवरेज स्पीड है। कैसे पता लगा सर एवरेज स्पीड है, मैंने जो डिस्टेंस लिया है टोटल डिस्टेंस लिया है 500 किलोमीटर कानपुर तक का पूरा डिस्टेंस, और टाइम भी टोटल लिया है इतने घंटे, ठीक है। लेकिन क्या जो ट्रेन थी वो हमेशा 50 की स्पीड से चल रही थी, नहीं। कभी ट्रेन हो सकता है आपकी रुकी हुई हो, जीरो स्पीड हो, कभी हो सकता है वो 100 की स्पीड से भी चल रही होगी, जब बहुत दूर दूर स्टेशन होंगे तो 100 की स्पीड से भी चल रही होगी। तो वो जो स्पीड है 100 या जीरो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं बच्चा इंस्टेंटेनियस, उस टाइम पे स्पीड जो होती है उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, और इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों को कि आप जो मान लो पढ़ाई करो, कभी आपको जोश आ गया, आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ाई कर ली, ठीक है, फिर 5 दिन तक जोश शांत हो गया, फिर आपने कोई पढ़ाई नहीं करी 5-6 दिन तक। अब आपसे बोलूँ आपके हफ्ते में आपने कितने घंटे पढ़ाई की, तो एक दिन में मान लो 10 घंटे करी, हफ्ते में 10 घंटे करी, तो जो 10 आवर है डिवाइड बाय अगर मैं 7 कर दूँ तो लगभग कितना आएगा, 1.4 के आसपास मेरे ख्याल से कुछ आएगा, 1.4 आवर पर डे। ये क्या है आपका, ये आपका इंस्टेंटेनियस एक टाइम है पढ़ने का या एवरेज है, क्या है बताओ। तो इसको हम बोलेंगे आपका एवरेज एक आया निकल के, ठीक है। इंस्टेंटेनियस तो आपका पहले 10 घंटे था, फिर 0 0 0 था, तो अगर आपसे बोलूं आपने दूसरे दिन कितना पढ़ा, 0, तीसरे दिन कितना पढ़ा, 0, वो आपका उस दिन का है, ठीक है। लेकिन जो एवरेज निकालोगे वो पूरा जोड़ के टाइम और पूरा घंटे जोड़ के और उसको डे से डिवाइड करोगे तब आपका एवरेज आएगा। ऐसे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बाय टाइम हमने लिया है, ठीक है। और पढ़ाई जो है ऐसे मत करना 10 घंटे एक दिन पढ़ ली फिर नहीं पढ़ा, ठीक है। मैं 12 बच्चों को बोलता हूँ कि अगर पढ़ना है तो भाई, अगर हमें कुछ बनना है तो रेगुलर मेहनत करनी है। कभी एक आध दिन हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए, कोई एक्सेप्शन केस हो जाए, लेकिन वैसे जो है हमें रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है, 4 से 5 घंटे रोज पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो अभी ये आ गया, बोलेंगे सर क्या क्या बताते रहते हो, क्वेश्चन करा दो ना। तो भाई ये भी जरूरी है आपके लिए, और क्वेश्चन भी आपके कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, नहीं तो मेरा काम है आपके कंसेप्ट भी क्लियर करना साथ साथ। अब देखो, अंडर व्हाट कंडीशन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस, तो कब जो है दोनों बराबर हो सकती हैं कि जो ट्रेन की स्पीड जो है 50 ही आए, कब हो सकता है ऐसा, कब हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा,
अगर सर ये ट्रेन शुरू से लेके लास्ट तक हमेशा 50 की स्पीड से चले तो आप किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे, किसी भी टाइम पे तो 50 की स्पीड है तो इंस्टेंटेनियस 50 हो गई, और अगर आप 10 का पूरा निकालोगे तो एवरेज भी कितना आएगा, 50 ही आएगा। ठीक है, तो 50 ही आएगा आपका। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। ठीक है, जैसे मान लो आपका एवरेज आ रहा था 1.4 आवर पर डे, जो आपने पढ़ाई करी थी भूल गए क्या, 1.4 आवर आ रहा था पर डे। अगर मान लो मैं बोलूं आपका कि एवरेज भी वही आना चाहिए और इंस्टेंटेनियस भी वही आना चाहिए, तो वो क्या करना पड़ेगा, रोज आपको 1.4 आवर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 1.4 आवर रोज पढ़ोगे तो आपका एवरेज भी 1.4 आएगा और उस दिन का भी क्या आएगा, 1.4 आएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा पढ़ना है, 1.4 से काम भी चलेगा। चलो, तो अगर जो है मेरी स्पीड, अगर मैं मूव करूँ ऐसे और मेरी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर सेम रहे तो मेरा एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या आएगा, दोनों सेम आएगा। तो क्या ये आंसर हो गया, नहीं, अभी थोड़ा और सोचना पड़ेगा। देखो, हम स्ट्रेट लाइन में मूव करें, अगर मान लो मैं ऐसे मूव करूं 50 की स्पीड से, अब क्या होगा, 50 की स्पीड से मूव कर रहा हूं कांस्टेंट, तो क्या होगा, क्या सेम आएगा एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड तो 50 ही आएगी हर जगह पे, है ना, लेकिन जब मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे, ये इनिशियल पॉइंट है ए और ये फाइनल पॉइंट है बी, तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो ये लेना पड़ेगा मुझे डिस्प्लेसमेंट, तो एक काम है थोड़ा डिवाइड बाय टाइम करूंगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो अलग आएगी, है ना। जब आपने वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम है और टाइम क्या है, टाइम तो पूरा लगा इसको, तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट आपका कम है, तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो कुछ और आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है 50 नहीं आएगी, यहाँ पे जो है आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो डिफरेंट आएगी। अगर मैं एवरेज अगर स्पीड निकालूँ तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, यहाँ पे एवरेज स्पीड अगर मैं निकालूँ, देखो दोनों चीज़ें होती हैं, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, तो कितना होगा टोटल डिस्टेंस, वो होगा मान लो सर्कल है तो पाई आर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना लगा, टाइम जो भी लगा मान लो 10 घंटे लगे, तो ये एवरेज स्पीड आई। एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो डिस्टेंस कितना होगा, ये 2r, r प्लस r 2r, मान लो सर्कल है अगर ये सेंटर है इसका, 2r बाय r 10, तो ये एवरेज वेलोसिटी ये आएगी। ठीक है, तो इस केस में ये एवरेज वेलोसिटी आई और ये एवरेज स्पीड आई और इंस्टेंटेनियस स्पीड ये है, तो इस केस में ये जो वैल्यू आएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी की वो वैल्यू अलग आएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, जैसे मान लो ये ट्रेन अगर आपकी 50 की स्पीड से चल रही होती लेकिन ये ऐसे घूम के जाती तो क्या होता, इसकी स्पीड तो हमेशा 50 है तो इंस्टेंटेनियस तो 50 है, जब भी आप देखोगे 50 है, लेकिन एवरेज कितनी होगी, एवरेज जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो डिस्टेंस लिखोगे, डिस्टेंस तो वही है 500 किलोमीटर, और टाइम कितना लगेगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसको, 10 से हो सकता है 12 घंटे लग जाएंगे क्योंकि टाइम इसको घूम के जाना है, तो 12 घंटे 500 बटे 12 लोगों से स्पीड कुछ और आ जाएगी। अब तो जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड जो है वो आपकी कुछ और आएगी और एवरेज वेलोसिटी कुछ और आएगी। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना कि किस केस में हमें क्या करना होगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो थोड़ा सा आपको दिमाग में वो करना पड़ेगा कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस क्या होती है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड, उस समय स्पीडोमीटर कितना दिखा रहा है, स्पीडोमीटर जो होता है ना गाड़ी पे वो कितना दिखा रहा है, वो आपकी इंस्टेंटेनियस उस इंस्टेंट पे स्पीड होती है। एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बच्चे पूछते हैं सर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या दोनों सेम है, क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम है, नहीं, देखो यहाँ पे डिफरेंट आ रही है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलग है, डिस्टेंस अलग है। ठीक है, तो दोनों सेम नहीं है, केवल कब सेम होंगी, जब ये दोनों एक लाइन में चल रहा हो तो सेम हो सकती है दोनों। अगला क्वेश्चन होता है क्या एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या ये सेम हो सकती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं इस इंस्टेंट पे देखूं तो मेरी स्पीड क्या है 50, वेलोसिटी क्या है वो भी 50 है, बस उसकी डायरेक्शन होगी कुछ, है ना, कि वो टूवर्ड नॉर्थ है साउथ है। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का वैल्यू सेम होता है, वैल्यू सेम होता है, बस वेलोसिटी में डायरेक्शन एक्स्ट्रा रहती है। तो इंस्टेंटेनियस हमेशा सेम होता है, एवरेज जो है सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी सेम आएगी क्योंकि डिस्टेंस सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो दोनों वैल्यू अलग आएंगी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये कब बराबर होंगी दोनों, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब होगी, अगर आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से
मूव करता रहे तो दोनों सेम आएंगी। व्हेन बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब भी हो गया कि स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होगा, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करेगा तो वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वी कैन से कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा एक बार सोचना दोबारा से, दिमाग पे जोर डालना और एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट जरूर करना। लेकिन मैंने कई सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिए उसमें। ठीक है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम कब होती है? अभी मैंने आपको बताया था, जब ये वाला केस होता है तो एवरेज वेलोसिटी क्या आई थी इसमें, 2r अपॉन में टाइम, और एवरेज स्पीड क्या आई थी, पाई आर अपॉन में टाइम। तो ये अलग अलग आए थे, तो दोनों सेम कब हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और स्पीड सेम कब हो सकते हैं, जब क्या सेम हो, जब क्या सेम हो, जब डिस्टेंस, इसका क्या होता है फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, और ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, बराबर होती है। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, बराबर। और ये बराबर कब हो सकते हैं, जब ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो। अगर ये मान लो ऐसे घूम के जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका ये आएगा स्ट्रेट लाइन से जोड़ के, ये डिस्प्लेसमेंट है, और जो पूरा ये लंबाई है ये डिस्टेंस है, तो ये ज़्यादा है डिस्टेंस आपका, डिस्प्लेसमेंट कम है। तो ये यूजुअली ज़्यादा होता है ये कम होता है यूजुअली, इसलिए आपकी जो एवरेज स्पीड आएगी यूजुअली ज़्यादा आएगी ये कम आएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और भाई जब भी बराबर होंगे तभी क्या होगा, आपका एवरेज स्पीड और वेलोसिटी सेम आएगी। ठीक है, क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्लियर हुआ तो एक बार लिख के आप बताएंगे कमेंट में सब लोग कि ये वाला कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया। तो व्हेन बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड। ओके, अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पर। तो अब न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो गया यहां से। साइक्लिस्ट कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द लेंथ विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड सेकंड हाफ ऑफ द लेंथ विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट। तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ये दिया हुआ है कि साइक्लिस्ट मूव कर रहा है, फर्स्ट हाफ उसने कवर किया विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, एंड सेकंड हाफ जो है, हाफ मतलब आधा डिस्टेंस उसने कवर किया 10 मीटर पर सेकंड, है ना। वो साइकिल पे जा रहा था, साइकिल पे जा रहा था वो, और फिर उसे क्या लगा, उसे लगा यार लेट हो जाऊंगा, है ना, लेट हो जाऊंगा तो दोस्त तो चला जाएगा, तो उसने तेज भगाई साइकिल और फिर वो आधे रास्ते 10 की स्पीड से चला। तो एवरेज स्पीड जो है उसका दोस्त क्या बोलेगा, तो कितनी स्पीड से आया मेरे पास, है ना। तो अगर वो निकाले तो कितनी आएगी, ठीक है, तो निकालते हैं। तो जो एवरेज क्या पूछा, देखो एवरेज स्पीड पूछी है, स्पीड ये ध्यान रखना है, टर्म स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है। हालांकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे दोनों सेम आएंगी, लेकिन स्पीड अगर है तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखो यहां पर जैसे मैंने आपको बोला था, यहां पे जो है देखो आपको इन्होंने डिस्टेंस टोटल दिया नहीं, दिया नहीं टोटल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, टाइम भी नहीं दिया हुआ, टाइम भी नहीं दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे। तो यूजुअली ऐसी होगा क्वेश्चन में कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन को, हम लोग अज्यूम करना पड़ता है, हमें कुछ हमें वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी, फिर उससे सॉल्व होके वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि जो ये डिस्टेंस की वैल्यू है, ये जो डिस्टेंस है इसको एक्स मान लेते हैं, या एस जो आप मानना चाहो, मान लो मैं एक्स मान लेता हूँ कि ये एक्स है, तो ये भी एक्स हो गया, या एक्स बाय टू मान लो, आधा ये है और आधा ये है, ठीक है, ये हो गया। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस लिखूँ अब तो कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच बताओ जल्दी, x, टोटल टाइम, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस टाइम, और उसमें क्या रिलेशन होता है वेलोसिटी, अगर टाइम निकालूंगा तो क्या आएगा बताओ, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस क्या आएगा। तो अगर आपने सही गेस किया होगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी आएगा। तो देखो यहां पे अगर मैं टाइम निकालूं तो डिस्टेंस कितना है, एक्स बाई टू, और स्पीड कितनी है, पांच, तो टाइम कितना आएगा यहां पे, टाइम यहां पे आएगा एक्स बाई टू अपॉन में पांच, और सेकंड केस में कितना आएगा, एक्स बाई टू अपॉन में टेन। ठीक है, मैंने एक्स बाई टू लिया, आप एस भी मान सकते हो, उसे एस मान सकते हो, उसे एक्स,
चाहे फिर एक्स मान लो, इसे एक्स मान लो, आंसर देखो फाइनली सेम आएगा। जो भी मानोगे, अगर मैं इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, तो डिस्टेंस 2x हो जाएगा, वो सेम आएगा फाइनल आंसर जब सॉल्व करोगे, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। चलो तो यहाँ पे जो टाइम हमारा आया वो x बाई 2/5 और x बाई 2/10 आया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, x बाई 10 हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, प्लस ये हो जाएगा x बाई 20। एलसीएम अगर लोगे तो 20 आएगा, एलसीएम लेना आता नहीं आता, और ये 2x हो जाएगा प्लस x, सीख लेना भाई, 3x बाई 20 आ गया, कितना आ गया 3x बाई 20। क्या आया ये टोटल टाइम आया, टोटल टाइम, हमें क्या निकालना था एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकाल लो, टोटल डिस्टेंस कितना था x, टाइम कितना आया भाई 3x बाई 20, इसको सॉल्व करोगे तो 20 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 20x बाई 3x, x से x काट दो तो आंसर क्या है 20, यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि सब मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड 20/3 मीटर पर सेकंड, लगभग 6.67 आपका जो है एवरेज आया। तो इसका जो दोस्त है उसको क्या लगेगा कि ये जो घर से चला इतनी देर में पहुंचा मेरे पास, तो ये कितनी स्पीड से चला होगा 6.67, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, आपका दोस्त जो है पहले आपको गोली दे रहा था और वो पहले धीरे धीरे चल रहा था, बाद में उसने अपनी स्पीड बढ़ाई थी, लेकिन दोस्त को क्या लगेगा इस वाले दोस्त को कि वो 6.67 से मेरे पास कंटिन्यूसली चलते हुए आया है, ठीक है। अच्छा अगर वैसे एवरेज निकाले तो एवरेज कितनी आएगी 10 और 5 15 15/2 करेंगे तो 7.5 एवरेज 7.5, लेकिन वो सही नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूले से ही सही आएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, 20/3 तो इसका आंसर आ गया, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ कार ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न बैक टू ए विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार एंड एवरेज वेलोसिटी, हमें दोनों चीजें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये लगभग सारे एग्जाम में आईआईटी जेई हो गया, नीट हो गया, बोर्ड हो गया, एनडीए हो गया, आईएएस हो गया, सब में आ रखा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब जगह आ रखा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक कार है और वो स्टार्ट हुई पॉइंट ए से, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये कहां गई पॉइंट बी तक। कार ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करा, स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, तो जब ये यहां पे जा रहा था तो भाई 40 की स्पीड से उसने पत्थर रखा एक्सीलेटर के ऊपर और उसके बाद ये सो गया, तो ये 40 की स्पीड चलती रही है ना, ऐसे होता है प्रैक्टिकली कभी, तो मान लो ऐसी रोड है कोई कि जहां पे जो है कोई खाली रोड है और 40 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अच्छा जी ए टू बी, अब ये बेचारा बड़ा परेशान होकर वहाँ पे गया बी तक और फिर इसकी वहाँ से छुट्टी हो गई, ये बी तक गया बड़े इसके मतलब पापा ने बोला कि वहाँ से सामान लेके आना है, भाग के गया बेचारा, उसने देखा दुकान तो बंद है और इसने फटाफट से कार मोड़ी और भगा के जो है तेजी के साथ 60 की स्पीड से वापस आ गया, गया 40 से था आलसी, आया 60 की स्पीड से, ठीक है। अब हमें बतानी है इसकी एवरेज क्या, स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बतानी है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बतानी है, क्या निकालना आसान है बताओ यहां पे, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्या निकालना आसान है। जो समझदार बच्चे होंगे उन्होंने बता दिया होगा कि क्या निकालना आसान है, ठीक है, यहां पर यह निकालना आसान है, कैसे अभी देखते हैं। देखो अब हमें मान लो एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो दिया नहीं यहां पे, तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ मान लो x मान लो, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ x ही गया और x वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ x प्लस x, ठीक है। अब पूरा लिख रहा, पूरा फॉर्मूला लिख देना टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, तो मैंने टोटल डिस्टेंस लिख दिया। अब टाइम चाहिए आपको, पहले जाने का टाइम चाहिए, जाने का टाइम कितना होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो x अपॉन में 40 ये हो गया, आने का कितना हुआ x अपॉन में 60, ठीक है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने की जरूरत है क्या, तो यार इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी किलोमीटर पर आवर में आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी बाई चांस तो लास्ट में चेंज कर लो, अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 2x, ऊपर तो 2x आ गया, नीचे कितना आ गया एलसीएम लोगे 60 और 40 का, तो कितना आएगा 60 और 40 का एलसीएम 120। जिनको नहीं आता एलसीएम लेना वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करूँ, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 60x प्लस 40 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x हो जाएगा, अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 60 × 40, ठीक है। एलसीएम वालों को पता ही होगा कैसे करना है, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है ना, ठीक है। कितना आएगा
2x अपॉन में ये कितना हो गया 100x, और ये कितना हुआ 40 इंटू 60, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया 60 इंटू 40 ऊपर, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 गया, x से x गया, इस वाले 0 से ये वाला 0 गया, तो कितना है 4, 6 दूनी 12, चौके 48, 48 किलोमीटर पर आर। ये क्या आया? ये आया आपका एवरेज स्पीड। तो उसकी जो एवरेज स्पीड है उसके पापा को क्या लगेगा, ये गया और जो आया था वो इस स्पीड से आया था, ठीक है। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, यहां से यहां गया और फिर यहां आया तो वापस अपनी जगह पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट होगा 0, ठीक है, अपॉन में टाइम। टाइम तो जो भी लगाओ क्या फर्क पड़ रहा है, 0, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जो है डायरेक्टली हमारी 0 आएगी, ठीक है। तो ये घर आया, इसने बोला पापा मैं देख के, मैं तो गया था वहां पे और दुकान बंद थी, मैं वापस आ गया तो मुझे इनाम दो, मुझे वो दो। तो पापा ने एक थप्पड़ मारा, कह रहे बेटे तेरी एवरेज वेलोसिटी 0 है, तूने कोई काम तो किया नहीं, तो यहाँ पे जो है तेरे को कुछ इनाम नहीं मिलेगा, हाँ एक थप्पड़ जरूर मिलेगा, ठीक है। तो भाई घाटा हो गया यहाँ पे, है ना, फ्लाइंग चप्पल मिल गई उसे, ठीक है। चलो तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे 0 आएगी हमारी। तो अगर कोई पार्टिकल घूम के अपनी जगह पे वापस आता है तो उसकी एवरेज स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा 0 होती है, ठीक है। ओके चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 48 किलोमीटर पर आवर और 0, ये 48 किलोमीटर पर आवर ना आंसर मैंने याद ही हो गया मुझे, तो इतनी जगह क्वेश्चन आया ये 60 और 40 वाला कि याद हो गया आपकी 48 आता है, ठीक है। 60 से गया 40 से आया, या 60 से आगे गया फिर 40 से और आगे गया, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कई बार, तब भी वो आंसर 48 ही आता है। आप करके देख लें, टोटल डिस्टेंस तो वही आएगा x प्लस x 2x, और टाइम भी वही आएगा, तो आंसर 48 ही आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे एवरेज स्पीड ना वो नहीं आई आपकी, अगर आप 60 प्लस 40 बाय 2 करोगे तो 100/2 यानी 50 आएगी, तो एवरेज वाला सूत्र को 50 नहीं आई, 48 आई है। तो ध्यान रखना यहाँ पे एवरेज जो है डायरेक्ट एवरेज मत ले लेना, ठीक है। चलो अब कई बच्चे बोलोगे सर डायरेक्ट एवरेज क्यों नहीं आ रहा, डायरेक्ट एवरेज देखो इसलिए नहीं आ रहा, देखो मान लो मैं आपसे बोलूँ कि आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, उनके नंबर आए 50, किसी के 60, किसी के 70, किसी के 90, बोलो एवरेज नंबर कितने हैं, तो आप सबको ऐड कर लोगे 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 90 प्लस जो भी है अपॉन में 10, 10 बच्चे हैं तो 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो आपको बोलूँ कि आपकी क्लास में 2 बच्चों के 50 आए, 3 बच्चों के 70 आए, है ना, और 5 बच्चों के इतने आए, अब बताओ एवरेज कितना है, तो क्या आप डायरेक्ट ऐड कर लोगे? नहीं करोगे आप ऐड, है ना। डायरेक्ट मान लो 2 बच्चों के मान लो 50 आए, 3 बच्चों के मान लो 70 आए, और 5 बच्चों के 90 आए मान लो, तो एवरेज थोड़ी आ जाएगा आपका 70 प्लस 90 प्लस बाय 3 करोगे तो गलत आएगा। तो आपको पहले टोटल नंबर निकालने पड़ेंगे कि 2 बच्चों के 50 आए तो 2 × 50 तो 100 हो गए, फिर 3 बच्चों के मान लो 70 आए तो 3 × 70 फिर करोगे, तो टोटल पहले नंबर लोगे और फिर टोटल नंबर से बच्चों से डिवाइड करोगे 10 से, तब आपका आंसर सही आएगा। ऐसे यहाँ पे भी हो रहा है कि टोटल डिस्टेंस आपको लेना पड़ रहा है, अपॉन में टोटल टाइम करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार ट्रेवल्ड फर्स्ट थर्ड ऑफ द डिस्टेंस विद एक्स एंड सेकेंड थर्ड विद 20 एंड थर्ड विद 60। तो भाई ये एक बंदा जो है कार से निकला, और जब ये निकला तो उसके घर के आसपास रोड बहुत ख़राब थी, तो ये 20 की स्पीड से चल रहा था। उसके बाद ये थोड़ा आगे गया तो रोड की हालत थोड़ा ठीक थी, नहीं 20 भी नहीं भाई, 10 की स्पीड से चल रहा था, ठीक है। तो ये कितने की स्पीड से चल रहा था? 10 की स्पीड से। ओ भाई बड़ी ख़राब थी रोड यानी, तो भाई 10 की स्पीड से चल रहा था ये बंदा। फिर ये आगे गया तो सेकेंड थर्ड जो है इसने फिर बाकी डिस्टेंस इसने 20 की स्पीड से ये कवर किया, और फिर और आगे गया तो बढ़िया रोड मिल गई, हाईवे मिल गया, तो फिर ये 60 की स्पीड से भाग गया, है ना। आपको क्या बताना है? एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर डिस्टेंस x, टोटल डिस्टेंस कितना है x, यहाँ पे दिया हुआ है x, तो यहाँ पे जब x अगर दिया हुआ है तो आप इसको x नहीं मान सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है? एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस करेंगे अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो यहां पे दिया हुआ है x, पर टाइम नहीं मालूम हमें, तो टाइम हमें निकालना पड़ेगा, अलग अलग टाइम निकालने पड़ेंगे यहां पे, अलग अलग टाइम निकालने पड़ेंगे। तो देखो यहां पे उसके लिए डिस्टेंस मानना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना है, तो देखो क्या लिखा है, इट ट्रेवल फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड का मतलब पहला 1/3 डिस्टेंस, तो यानी x बाय 3 है ये, फिर सेकंड थर्ड यानी सेकंड x बाय 3 और तीसरा x बाय 3, x को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया,
वन थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमारा वन थर्ड में डिवाइड हो गया। तो टाइम हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर हम T1, T2, T3 निकालें तो कितना आएगा। T1 की वैल्यू अगर निकालें यहाँ पे, तो T1 इज x बाय 3 अपॉन में 10, तो ये 10 नीचे चला जाएगा यहाँ पे, तो x बाय 3 इंटू 10 यानी कि x बाय 30 हो गया ये। ऐसे T2 निकालोगे जब, तो x बाय 3 अपॉन में 20 यानी कि x बाय 60 हो जाएगा, सॉल्व कर लेना। और T3 जब निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा, x बाय 3 अपॉन में 60 को यहाँ ले जाओगे तो 120 हो जाएगा ये, तो x सॉरी 180 हो जाएगा, तो 180, तो ये आपका टाइम आया। ठीक है, इतने आर आएंगे सारे, ये भी आर में होगा, ये भी आर में, क्योंकि आपने सारे जो वेलोसिटी लिए हैं वो किलोमीटर और आर में लिए है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे भाई, टोटल डिस्टेंस तो ले लो x, टाइम लिखना है आपको, तो टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 कर लो। T1 कितना था, x बाय 30, T2 कितना था, x बाय 60, और T3 कितना था, x बाय 180। अब इनका एलसीएम लेना है, जिनका एलसीएम नहीं आता क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेना क्रॉस करके, फिर इन दोनों को कर लेना, लंबा हो जाएगा लेकिन काफ़ी। या फिर आप ये अगर जो ऐसा करेंगे वो 10 कॉमन ले लेना बाहर, क्योंकि 10 यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो x बाय 3 प्लस x बाय 6 प्लस x बाय 18 उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन देखो यहाँ पे डायरेक्ट अगर एलसीएम लोगे तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा 30, 60 और 180 का 180 आ जाएगा, तो 180 एलसीएम आएगा। अब यहाँ पे 180 बनाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 3 जा 118, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 6x हो जाएगा ये, अपॉन में 180 हो गया, तो 180 हो गया। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो 3x हो गया ये, यहाँ पे तो 1 से करना पड़ेगा क्योंकि तो 180 है ऑलरेडी, और यहाँ पे x, ठीक है, ये आया कुल मिला के, तो कितना आया ये x, और डिवाइड में 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 10x, तो ये हो गया आपका x बाय 10x इंटू 180 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 180x डिवाइडेड बाय 10x, इससे इसको काट लो, जीरो से जीरो डाल दो, तो क्या आया 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो एवरेज स्पीड आई वो कितनी आई, 18 किलोमीटर पर आवर। आप 10 से भी चले, आप 20 से भी चले, आप 60 से भी चले, लेकिन एवरेज क्या आया, एवरेज आपका 18 आया। तो साल भर मान लो हमने पहले कम पढ़ाई करी, फिर थोड़ा ज़्यादा करी, और पेपर आए तो बहुत ज़्यादा करी, लेकिन एवरेज नंबर तो वही आएंगे भाई जो पूरे पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो ऐसा मैं सोच रहा कि लास्ट में चमत्कार कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे आप अपनी स्पीड 180 कर लो तो बात अलग है, तब आपका चमत्कार भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है हमारा आंसर आया 18 किलोमीटर पर आवर। आई होप सबको समझ में आया होगा ये, तो आंसर हमारा 18 किलोमीटर पर आर आया है। तो भाई आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। बाकी टॉपिक के भी वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी डाले हुए हैं, आपके जो बाकी टॉपिक हैं उनकी भी वीडियो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए, तो आपसे मिलते हैं आप अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए और टेक केयर ऑल ऑफ यू। चलिए, बाय।